Hello and good morning everyone. Welcome to our YouTube channel Avision Institute, a vision for government job. स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर्स के सेशन में जो कि बेस्ड है 20th सितंबर के ऊपर. तो आज हम इस सेशन में देख लेंगे कि इस दिन के करंट अफेयर्स के ऊपर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बन सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट हैज इंक्ड मूव विथ मालदीव टू स्ट्रेंथन कैंसर केयर इन द आइलैंड नेशन. कौन से स्टेट ने मालदीव के साथ एक मूव साइन किया है तो मालदीव का जो कैंसर है उसको कैंसर केयर है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ई, केरला. केरला ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मालदीव के साथ, जो आइलैंड है नेशन है मालदीव उसका जो कैंसर केयर है इसको और भी स्ट्रेंथन करने के लिए. ये जो मूव है ये साइन किया है मालदीवियन जो मिनिस्टर है अब्दुल्ला अमीन एंड केरला के जो हेल्थ मिनिस्टर है के साइलाजा, और वहाँ पे केरला के स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन वो भी मौजूद थे. पिनराई विजयन ने बोला है कि केरला गवर्नमेंट एंड रीजनल कैंसर सेंटर इन दोनों ने जॉइंटली मिलकर ये मूव साइन किया है मालदीव का जो हेल्थ मालदीव के हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ. तो आज का सेकेंड क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल 4 times नॉन स्टॉप इन 54 hours. वो कौन से इंसान है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को लगातार 4 times क्रॉस किया है 54 hours के अंदर. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, सारा थॉमस. अमेरिका के जो ओपन वाटर मैराथन स्विमर है सारा थॉमस, उन्होंने वो दुनिया के पहले इंसान बन चुके हैं जो कि इंग्लिश चैनल को लगातार 4 times क्रॉस कर चुके हैं विद इन 54 hours. बीबीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक 37 years old स्विमर, उन्होंने संडे मॉर्निंग को ये जर्नी अपना स्टार्ट किया था और 54 hours लेटर ये जर्नी उनका ख़त्म हुआ. ये जो जर्नी था उनके स्विमिंग का, इसका जो रास्ता था इसका लेंथ था 84 miles, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग टाइड्स के वजह से ये लंबा हो गया 130 miles हो गया है. और इससे पहले और 4 swimmer ऐसे थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को 3 times लगातार क्रॉस किया था, लेकिन सारा थॉमस पहले इंसान बने हैं जो लगातार 4 times इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर चुके हैं. तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे. कौन से दिन को वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे के रूप में मनाया जाता है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, 18th September. वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे इसको एस्टेब्लिश किया था 2003 में अमेरिकाज क्लीन वाटर फाउंडेशन ACWF. उन्होंने इस दिन को इसको एस्टेब्लिश किया था 2003 में, जो कि एक ग्लोबल एजुकेशनल आउटरीच प्रोग्राम है. इस प्रोग्राम को और भी नाम से जाना जाता है जो कि है वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग चैलेंज एंड अर्थ इको वाटर चैलेंज. ये जो दिन है इसका एम क्या है कि वाटर रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाना. और जो ACWF के प्रेसिडेंट एंड CEO है रॉबर्टा सैवेज, उन्होंने ये WWMD क्रिएट किया था जो कि है वर्ल्ड वाटर मॉनिटर डे, एंड एडवर्ड मोयर बने थे इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेटर. और ये हर साल 18 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है. तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 16th राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस बिटवीन इंडिया एंड ईरान वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी. जो फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन का 16th राउंड है वो कौन से शहर में हुआ है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज तेहरान, ऑप्शन ए. जो 16th राउंड है फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन का इंडिया और ईरान के बीच, वो ईरान के तेहरान में हुआ है. ये जो कंसल्टेशन था यहाँ पे इंडिया के तरफ से जो फॉरेन सेक्रेटरी है हमारे विजय गोखले वो लीड कर रहे थे, और डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर सैयद अब्बास अरगची वो ईरान के साइड से लीड कर रहे थे. हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने ईरान के फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर जो है डॉक्टर जावेद जारीफ और उनके जो सीनियर एडवाइजर टू सुप्रीम लीडर है आली अकबर विलायती, उनको भी बुलाया गया था इस कंसल्टेशन में. और एक ऑफिशियल रिलीज के मुताबिक ये जो कंसल्टेशन हुआ है इसमें दो साइड ने क्या किया है, जो बायलैटरल कोऑपरेशन है इसको रिव्यू किया है, जो ऑनगोइंग कनेक्टिविटी है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है इनको भी देखा गया है. आज के सेशन का 5th क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट विल होस्ट द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग्स HIV/AIDS. कौन से स्टेट जो यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ड्रग्स और HIV/AIDS के ऊपर उसको होस्ट करने जा रहे हैं. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, मणिपुर. मणिपुर के जो गवर्नर है नाजमा हेपतुल्ला, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि मणिपुर होस्ट करने जा रहा है यूनाइटेड नेशन का जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है टू डिस्कस द इशूज रिलेटेड टू ड्रग मीनास HIV/AIDS प्रॉब्लम. कब ये होस्ट होने जा रहा है, ये होने जा रहा है 30th September से 1st October तक. हेपतुल्ला ये अनाउंस कब किए हैं, जो मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन उनका जो 13th फाउंडेशन डे का प्रोग्राम था वहाँ पे उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है, जो कि हुआ था होटल इम्फाल में. चीफ मिनिस्टर जो है मणिपुर के एन बीरेन सिंह, उन्होंने क्या किया है कि सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो होम मिनिस्टर है सभी को इस कॉन्फ्रेंस के लिए इन्वाइट किया है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, IAF हैज स्टार्टेड रिसीविंग द स्पाइस 2000 बॉम्ब्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. इंडियन एयरफोर्स जो स्पाइस 2000 बॉम्ब है वो रिसीव करना स्टार्ट किया है कौन से कंट्री से. तो
तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी इसराइल। इंडिया का जो एरियल फायर पावर है वो अभी और बूस्ट होने जा रहा है और बूस्ट हो रहा है कि क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने जो बिल्डिंग ब्लास्टर वर्जन है बालाकोट एयर स्ट्राइक का फेम स्पाइस 2000 बॉम्ब्स वो रिसीव करना चालू कर दिया है ग्वालियर एयरबेस के लिए। इसराइल के जो फार्म था जहाँ पे ये ऑर्डर दिया गया था इस बॉम्ब का, वो फार्म ने डिलीवरी देना स्टार्ट कर दिया है इस बॉम्ब का। ये जो वेपन है ये ग्वालियर के जो होम बेस है वहाँ पे डिलीवर किया जा रहा है और इंडिया का जो फाइटर जेट है मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट यही ओनली इस बॉम्ब को फ्लाई करके लेके जा सकता है और इसको फायर भी कर सकता है। तो आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच पेमेंट्स बैंक हैज लॉन्च्ड भरोसा सेविंग अकाउंट। कौन से पेमेंट बैंक ने भरोसा सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने क्या किया है, एक नया अकाउंट लॉन्च किया है जिसका नाम दिया गया है भरोसा सेविंग्स अकाउंट, जो कि क्या कर रहा है कस्टमर्स को कैश विदड्रॉ बैलेंस चेक और जो एक्सेस है एक मिनी स्टेटमेंट के अकाउंट के ऊपर ये एक्सेस दे रहा है। कितने अकाउंट में ये दे रहा है कि 6,50,000 अकाउंट्स जो आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है वहाँ पे ये एक्सेस दे रहा है। ये जो सर्विस है ये डिजाइन क्यों किस लिए किया गया है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है कंट्री का उसको और भी डीप करने के लिए। चलिए देख लेते हैं आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन रेसलर टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स 2020। इंडिया के कौन से वो रेसलर फर्स्ट रेसलर बने हैं जो कि टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी विनेश फोगट। इंडिया के जो स्टार रेसलर है विनेश फोगट, उन्होंने 2020 को ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने अमेरिका के सारा हिल ब्रांड को वर्ल्ड चैंपियनशिप में हराया, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा है कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में। उन्होंने 8-2 मार्जिन से सारा हिल ब्रांड को हराया है, जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडलिस्ट रह चुके हैं। अभी विनेश फोगट नेक्स्ट राउंड में जो कि ब्रॉन्ज मेडल बाउट है वहाँ पे मारिया पार्वेलोकी जो कि जर्मनी के हैं उनके अगेंस्ट खेलेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज डिस्कवर्ड 2 न्यू स्पेसीज ऑफ जिंजर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2 नए स्पेसीज डिस्कवर किया जिंजर का कौन से स्टेट से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी नागालैंड। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो साइंटिस्ट है उनको 2 न्यू स्पेसीज मिला है जिंजीबार का, जो कि कॉमनली जिंजर के रूप में जाना जाता है फ्रॉम नागालैंड। वो दो कौन सा क्या क्या नाम दिया गया है जो नागालैंड के पेरेन डिस्ट्रिक्ट से मिला है उसका नाम दिया गया है जिंजीबार पेरेनेंस, और जो नागालैंड के डिमापुर डिस्ट्रिक्ट से मिला है उसका नाम दिया गया है जिंजीबार डिमापुरेंस। तो ये जो दो स्पेसीज है इन दो स्पेसीज में से जिंजीबार डिमापुरेंस इज टॉलर इन साइज विथ लिफी सूट्स मेजरिंग 90-120 सेंटीमीटर हाइट, वेयर एज द लिफी सूट्स ऑफ जिंजीबार पेरेनेंस रीच अप टू 70 सेंटीमीटर इन हाइट। तो आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज द सोलोमन आइलैंड्स हैज डिसाइडेड टू एंड इट्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस विथ व्हिच कंट्री। सोलोमन आइलैंड ने कौन से कंट्री के साथ अपना जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है वो खत्म करने का डिसीजन लिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी ताइवान। सोलोमन आइलैंड ने क्या किया है, जो डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन है वो ताइवान से लेके चाइना में शिफ्ट कर दिया है, जो कि लेटेस्ट कंट्री बने हैं जो ताइवानीज जो कैंप है इसको लीव कर रहे हैं। ताइवान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने ये इस मूव को कन्फर्म किया है और उन्होंने बोला है सोलोमन आइलैंड कैबिनेट अप्रूव्ड अ रेजोल्यूशन टू रिकॉग्नाइज बीजिंग एज द गवर्नमेंट ऑफ चाइना, और उन्होंने ये भी बोला है कि वी सिंसियरली रिग्रेट एंड स्ट्रांगली कॉन्डेम देयर गवर्नमेंट्स डिसीजन टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद चाइना। उनके जो प्रेसिडेंट है ताई इंग वेन, उन्होंने ये बोला है एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में। तो आज का जो सेशन था यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है, फिर किसी और दिन मिलेंगे एक नए करंट अफेयर्स के सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।